हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। धरने वालों के आगे रियासत की ताकत कमजोर नजर आ रही है। एक्शन के बजाय मुजाहिरीन को अब भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अदालत का हुक्म, फौज का साथ, ऑपोजिशन का एतमाद, हुकूमत के पास सब कुछ है, डर कर नहीं डट कर फैसला लेना होगा। और ब्लैक फ्राइडे सेल या जेब से पैसा निकालने का खेल, डिस्काउंट के चक्कर में अकाउंट कैसे खाली हो रहे हैं, प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। कराची में आज 4 साल की बच्ची की मौत ने हर किसी को सोगवार किया, रंजीदा किया है। 4 साल की ये बच्ची जो अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर स्कूल जा रही थी, रेस लगाती हुई 2 बसों ने इसको कुचल दिया। ड्राइवर पकड़ा गया, लेकिन अब भी सवाल यही है कि किस तरह से जो जिंदगियां हैं वो मुसलसल इस ट्रांसपोर्ट की वजह से ज़ाया हो रही हैं और कब तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी होता रहेगा। प्रोग्राम में आगे जाकर इस पर बात करेंगे और सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट हमारे हमरा भी होंगे, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। और इस्लामाबाद में फैज़ाबाद का वो मकाम जहाँ पर धरने को अब 19 रोज़ गुजर चुके हैं और आखिरकार हुकूमत इस धरने के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाती दिखाई दे रही है। मुजाहिरीन को धरना ख़त्म करने के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो बड़ी करीब है, 12 बजे की ये डेडलाइन दी गई है। और इसके अलावा उनकी जो सप्लाई लाइन थी वो भी काटी गई, पुलिस ने मुजाहिरीन को खाने की सप्लाई रोकी है और जो आसपास के होटल्स थे उनको भी बंद करा दिया है। अलबत्ता ताकत का जो इस्तेमाल है उसका ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, बेहतर तरीका यही है कि मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं। हुकूमत इस धरने के खात्मे के लिए अब तक क्या क्या जतन करती रही है और इतनी सारी कोशिशों के बावजूद नतीजा क्या निकला, एक रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी। इस्लामाबाद धरने को 19 रोज और 456 घंटे गुजर गए, मुलाकातें, मुज़ाकरात, अपीलें और इंतबा, किसी से बात ना बनी। अदालती अहकाम आ गए, तौहीन अदालत के नोटिस मिल गए, लेकिन सूरत हाल ना बदली। वजीर दाखला एहसन इकबाल अपील करते रहे, बराए मेहरबानी इसको बंद कीजिए, मुल्क की खातिर और अवाम की, लेकिन धरने वालों का मौका बदला ना इरादा। और अब वजीर दाखला एहसन इकबाल का भी मिजाज बदल गया है। हुकूमत समझती है कि ये कानून वजारत कानून ने नहीं बनाया, अगर वजारत कानून ने बनाया होता तो वजीर कानून जिम्मेदार थे। ये कानून तमाम पार्टीज की कमेटी ने बनाया था, क्योंकि ये कोई सियासी तनाजा नहीं है, ये एक ऐसा बुनियाद है जिस पर किसी के ईमान का सवाल है और ये अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और उस इलेक्शन की तैयारी के लिए खत्म नबूवत जैसे लोगों के लिए जो दिल के करीब है और एक हसास मसला है उससे खेल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को वरगला रहे हैं। हम इनकी साजिश, जो ये लाल मस्जिद पैदा करना चाहते हैं, जो ये मॉडल टाउन का सानिया पैदा करना चाहते हैं जिससे इनकी सियासत गर्म हो, वो मौका इनको नहीं देंगे। कनपट्टी पे पिस्तौल रख के कोई मनवाना चाहता है ऐसी शर्त नाकाबिले कबूल है। एहसन इकबाल ने गुज़श्ता रोज 24 घंटों में अहम ऐलान की खबर दी थी। 24 घंटे तो गुजर गए लेकिन इस खबर का अमली असर नजर नहीं आ रहा। अपीलें हैं, जतन हैं और अब तंबीह भी है। अब तक धरने वालों को हटाने के लिए हुकूमत की तमाम तर कोशिशें नाकाम रही हैं। मसालती कमेटी के धरने वालों से मुजाकरात भी मंगल से डेडलॉक का शिकार नज़र आए, जिसके बाद 3 दिन तक मुकम्मल खामोशी रही। अलबत्ता आज फिर मुजाकरात का आगाज़ हुआ है। मसालती कमेटी और धरना अराकीन गोल्डरा शरीफ पर मौजूद रहे और हुकूमती नुमाइंदे की भी इन मुजाकरात में शमूलियत का इम्कान है, लेकिन ये मुजाकरात बेसूद दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो मसालती कमेटी है पहले ही धरने वालों से मुजाकरात के बाद अपना ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, जिस पर वजारत मजहबी उमूर ने रजामंदी भी जाहिर की थी। और ये मुसविदा जो कि तैयार की शाम वजारत दाखला को इरसाल कर दिया गया, लेकिन 3 दिन गुजरने के बावजूद भी इस पर अमल तो नहीं हो सका है। अब सिचुएशन ये है कि जो ड्राफ्ट है मसालती कमेटी ने कई सिफारिशात उसमें पेश की थी, जिनमें वजीर कानून जाहिद हामिद को फिलवक्त काम से रोकने, गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई, धरने वालों के खिलाफ दर्ज केसेस का खात्मा और खत्म नबूवत से मुतालिक जो मुतनाज़े तरमीम है उसके जिम्मेदारों से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने की सिफारिश की गई है।
मंगल को इन तमाम तर सिफारिशात पर तीनों फरीकैन मुत्तफिक थे, लेकिन उन पर अमल जो कि होना था वो नहीं हो सका। जिसके बाद अब कल सुबह मसालती कमेटी के सरबरा पीर हुसैनुद्दीन शाह जनूबी अफ्रीका चले गए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में शायद मसालती कमेटी को उतना कारामत तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दूसरी जानेब आ जाएँ तो यहाँ पर ख़त्म नबूवत से मुतालिक जो मुतनाज़ तरमीम है, तहकीकती रिपोर्ट को लेकर उस पर नया तनाज़ खड़ा हुआ। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अभी इब्तदाई मराहिल में है, जबकि राजा ज़फ़रुल हक जिन्हें नवाज़ शरीफ ने इस मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी थी उनके मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके मियाँ साहब के हवाले कर चुके हैं और इस रिपोर्ट के कुछ निकात अखबारात में भी शाया हुए, लेकिन हुकूमत इन निकात की तस्दीक को तैयार नहीं है। तो ये सारा इशू और उसके बाद अब जो एक्शन होने वाला है वो किस तरह से हुकूमत जो डेडलाइन है उसको पूरा करेगी और इस वक्त उस मकाम पर सिचुएशन है, क्या हम बात करेंगे। अली फरकान हमारे हमरा मौजूद हैं, रेस्पोंडेंट हैं और जो धरने की तमाम तर अपडेट हैं वो हमें देते रहते हैं। अली, सिचुएशन क्या नज़र आ रही है? बहुत कम वक्त रह गया, 12 बस बजने ही वाले हैं, कोई लचक नज़र आ रही है आपको? जी, बज़ाहिरन जो धरने के कायदीन हैं उनकी जानब से कोई लचक नहीं दिखाई दे रही, मां सवाए उसके जो उन्होंने मसालती कमेटी के सामने कुछ उन्हें दिखाई थी लचक, और उसी के नतीजे में एक माहिदा जो है वो तय पाने जा रहा था और एक मुसवदा जो है वो तैयार किया था मसालती कमेटी ने, और हमारे जो बावसूख जराए हैं धरना क्यादत से की तरफ से भी और हुकूमत की जानब से भी, उनका ये कहना था कि इसके ऊपर दोनों फरीकैन जो है वो राजी थे उस मुसवदे के ऊपर। उस मुसवदे को ना सिर्फ हुकूमत के जो नुमाइंदे थे वो भी मुत्तफिक थे, बल्कि वजारत मजहबी अमूर जिसने इस मसालती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया था उसने अपने लेटर हेड के ऊपर वो मुसवदे की जो तहरीर है वो वजारत दाखिला को भिजवाई मंगल की शाम, लेकिन अभी तक जो है उसके ऊपर वो मुंतजर है वजारत मजहबी अमूर कि उनकी जानब से उन्हें जवाब मौसूल हो, लेकिन ताहाल वजारत दाखिला की जानब से उसके ऊपर कोई पेशरफ जो है वो नहीं हो पा रही, चूँकि वो मुसवदा वजारत दाखिला के पास रुका हुआ है। यहाँ पे धरने के मकाम के ऊपर फिलवक जो है वो कि ऐसी सूरत हाल हमें नहीं दिखाई दे रही कि ऑपरेशन या यहाँ पे कोई फोर्स का इस्तेमाल होगा, कोई क्रैकडाउन की सूरत हाल जो है हम नहीं देख रहे। अभी मामूल के मुताबिक जो है वो डिप्लॉय है यहाँ पे एफसी के जवान भी, यानी पुलिस थोड़ा ही वक्त रह गया इस डेडलाइन में, लेकिन पुरसकून सूरत हाल नजर आ रही है। उधर गोल्डा शरीफ में भी मुजाकरात हो रहे हैं, क्या हुकूमती नुमाइंदा कोई मौजूद है वहाँ पर? जी, काफ़ी देर हो चुकी है, यहाँ पे धरना की आदत से पीर अफजल कादरी जो है वो वहाँ पहुँचे थे गोलरा शरीफ में, और दीगर अहम जो कमेटी के मेंबरान थे वो भी उस मुजाकरात में शामिल थे। हुकूमत की तरफ से बनाई गई कमेटी जो है वो मुजाकरात कर रही है धरने की क्यादत के साथ, लेकिन ताहाल जो है हुकूमत की तरफ से जो हुकूमती टीम है मुजाकरात की उसमें से कोई रहनुमा जो है नहीं पहुँचा, लेकिन इम्कान किया जा रहा है कि वहाँ पर हुकूमती जो नुमाइंदगी है वो भी होगी। इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो चुका है और पीर अफजल कादरी जो है वो वापस धरने में पहुंच चुके हैं और यहां से मुज़ाकरात जो है अपनी दीगर साथियों के साथ मुज़ाकरात के बाद दोबारा जो है वो गोलरा शरीफ पहुंचेंगे और देखते हैं कि ये देखना है कि अभी कुछ मसालती कमेटी जो है वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है और उसके सरबराह जो हैं वो भी मुल्क से बाहर जा चुके हैं, लेकिन चूंकि हुकूमत की जानिब से दोबारा जो है वो डेडलाइन रखी गई है तो दोबारा से ये मसालती कमेटी जो है वो कुछ मुतारक हुई है, लेकिन उनके हाथ में इसके मुतारक होने से आपको डेवलपमेंट क्या नजर आ रही है? क्योंकि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसके ऊपर तो इख्तिलाफ है, बुनियादी इख्तिलाफ कहाँ पर है, मुतनाज़ हो क्यों रहा है, और ये जो मसालती कमेटी है ये क्या किरदार अदा कर सकती है? जी, ये एक बड़ा सवाल है कि उस जो ड्राफ्ट तैयार किया था मसालती कमेटी में और जिस आस में ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे, उसमें मजाक धरना की क्यादत भी मौजूद थी, तो उस ड्राफ्ट जो कि मुसवदा भिजवाया गया वो वजारत मजहबी उमूर ने उसकी तोसीक इस तरीके से की कि उन्होंने उसे बाकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर उसको तहरीर करके वजारत दाखिला को भिजवाया। अब वो वजारत दाखिला की जानब से क्या इख्तलाफ है ये अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सका, ना ही मसालती कमेटी को उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर आगाह किया है और ना ही जो है
अब वो धरने की क्यादत या वजारत मजहबी उमूर को आगाह किया है बाकायदा तौर के ऊपर कि उस जो मसले कहाँ पे मसला आ रहा है, ये इसका जवाब अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सका। अलबत्ता जो रिलैक्सेशन मसालती कमेटी ने दोनों फ्रीकैन की जानब से कुछ जो है वो तजवीज़ की थी उनकी नज़र में ये एक हल था और वो इसके ऊपर मुत्तफिक थे कि तीनों फ्रीकैन यानी मसालती कमेटी धरना की क्यादत और हुकूमत इसके बाद इसके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बाकायदा तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसका बाकायदा ऐलान जो है वो किया जाएगा, लेकिन बहरहाल जो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है अली फुरकान, तो क्या इसका ताल्लुक कोई राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट थी जिसके निकात भी शाया है उससे कोई ताल्लुक बनता है? जी, एक बड़ा मुतालबा जो है वो यही है और इससे पहले भी हुकूमत जो है वो एक इसी जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इसी के एक ग्रुप के साथ माहिदा किया था। 3 नवंबर को वो माहिदा हुआ था, इस्लामाबाद में ही ये मुजाहरीन आए थे और उस माहिदे के ऊपर 2 वफाकी वुजरा और इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया जो है उनके दस्तखत मौजूद थे जिसके मुताबिक 20 रोज़ में राजा जफरुल हक की रिपोर्ट जो है वो उन्होंने आम करनी थी। आज जो है उसको 20 रोज़ से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन वो रिपोर्ट आम नहीं हो पा रही। राजा जफरुल हक से भी हमने मुतद्दिद बार मुलाकात हुई इन दिनों में और उनसे भी हमने इस हवाले से जानने की कोशिश की। बीच में जो है वो रिपोर्ट के कुछ हिस्से जो हैं वो पब्लिक भी हुए, लीक भी हुए, लेकिन राजा जफरुल हक ने उसकी तरदीद की। एहसन इकबाल से जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो रिपोर्ट अभी तैयारी के मराहल में, उसके बहुत सारे वालियों से ये कह रहे थे कि अभी इब्तदाई मराहल में है, लेकिन क्या जानबूझकर डिले किया जा रहा है? जी, ऐसा ही लग रहा है, दिखाई ऐसे ही दे रहा है कि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ताखीर हो रही है धरने की क्यादत को धरने के अहतमाम के हवाले से, तो वो हुकूमत या वजारत दाखिला की जानब से हो रही है। इसके पीछे क्या मकासद हैं, क्या सियासी मकासद हैं, क्या इंतज़ामी मुश्किलात है, या वो उस रिपोर्ट को पब्लिक करने से इजतना रही है हुकूमत, ये 3 मुहरकात में से कौन सा ज़्यादा जो है वो हामिल हो सकता है, लेकिन हम इस हवाले से वाजे तौर के ऊपर तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्हीं तीन अवामिल में से कोई एक जो है वो आड़े आ रहा है जो कि हुकूमत कतरा रही है या इज्तनाब कर रही है इस रिपोर्ट को आम करने के हवाले से या उस माहिदे के दीगर जो उनके मुतालबात है उस हवाले से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली फुरकान, हमारे साथ मौजूद थे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, धरने से मुतालिक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी वो देते हुए बता रहे थे कि इस वक्त हुकूमत की तमाम तर कोशिशें जो हैं वो कामयाब होती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। गोल्डर शरीफ में भी मुजाकर हुए हैं लेकिन मसालियती कमेटी का जो किरदार है वो एक्टिव तो बहुत नज़र आ रही है, लेकिन क्या उसके इस एक्टिव होने की वजह से कोई पेशरफ्त हो सकेगी या नहीं, ये अभी तक सवाल वहीं का वहीं है। डेडलाइन बहुत करीब आ चुकी है, 12 बजने वाले हैं, जिसके बाद हुकूमत ने कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद करा। अभी दौरे कदीम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके उस पर गुजारा कर रहे हैं, उसके अंदर जिंदा हैं, लेकिन आज भी 1975 और 76 वाला जो निज़ाम है वो यहाँ पर चल रहा है। तो कराची में आज अंधाधुंध बसें दौड़ाई जा रही हैं जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक टोकन सिस्टम है। गाड़ी अड्डे से निकलती है तो उसे एक टोकन दिया जाता है जिस पर टाइम दर्ज होता है, एक वो टाइम के जो कि गाड़ी के निकलने का टाइम होता है और दूसरा वो टाइम कि जिस पर गाड़ी को मुकर्रर मकाम तक पहुँचना होता है। इस दौरान तेज़ रफ्तारी, सिग्नल तोड़ना, कानून तोड़ना, ड्राइवर कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं देखते, बस उनको नज़र आता है तो ये कि जो टोकन पर टाइम दर्ज है उस टाइम के ऊपर उनको वहाँ पर पहुँचना है। इस दौरान उसी रूट की जो दूसरी बस होती है वो करीब आ जाती है और फिर रेस लगाई जाती है और यही जो रेस है कराची में सालाना 25,000 से ज़ायद जाने लेती है, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ नहीं सीखते। कराची का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका बग़ौर अगर जायज़ा लें तो यहाँ 335 पब्लिक रूट्स हैं जिनमें से 135 मकामात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब है, 220 रूट्स ऐसे हैं जो कि ख़त्म कर दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली ज़्यादातर बसें 10 से 15 साल पुरानी हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है लेकिन इसके बावजूद उनको हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। और इस तमाम तर खराबी की वजह यह है कि कराची के जो अवाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया की अजारादारी है, सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्ट का क्योंकि निज़ाम मौजूद नहीं है। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन जैसे मंसूबे हैं, इन पर काम ज़रूर हो रहा है लेकिन ये काम कब मुकम्मल होगा इस बारे में कोई डेडलाइन वाज़े तौर पर सामने नहीं आती। उल्टा जो मंसूबा इन हालात में मददगार साबित हो सकता था, कराची सर्कुलर रेलवे, एक बहुत बड़ा मंसूबा, 1998 में इसको बंद किया गया जिसके बाद से अब तक कई बार इस मंसूबे के असर नौ आगाज़ के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है लेकिन काम का आगाज़ नहीं हो सका है।
पहले ये मंसूबा जापान के साथ मिलकर शुरू किया जाना था और चीन इस काम में सिंध हुकूमत की मावनत कर रहा था। इस मंसूबे की जो तकमील है इसके लिए सिंध हुकूमत ने 2020 तक की डेडलाइन सेट की है, लेकिन इस डेडलाइन को मीट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सिंध हुकूमत को सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए 360 एकड़ ज़मीन दरकार है, जिसमें से 70 एकड़ पर कब्ज़ा है। 4,500 के करीब मकानात और 3,000 दीगर तामीरात यहाँ पर मौजूद हैं और जो इलाके इसके अंदर आते हैं उसमें गुलशन इकबाल का इलाका है, तेराडी, मंगोरिया गोट है और पापोश में तो रेलवे ट्रैक ही लापता हो चुका है। तो इन मकामात पर कई किलोमीटर पर कारोबारी मराकज भी कायम हो चुके हैं। सिंध हुकूमत को इस साल सितंबर तक इन तमाम तजावुजात को हटाकर बाड़ लगाना थी, लेकिन नवंबर का इख्तिताम हो चुका है, अब तक ये ज़मीन वागुजार नहीं कराई जा सकी। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये किस तरह से बेहतर होगा और क्या कराची के शहरी एक अच्छे ट्रांसपोर्ट को देख सकेंगे कराची में, कभी इस पर हम बात करेंगे। वाकया तो एक शख्सी गलती भी आप कह सकते हैं कि वो ड्राइवरों की आपस में जो है, और उसके लिए हमने जैसे आज भी उसके मालकान को पहले पकड़ा जी, फिर ड्राइवर को भी अभी गिरफ्तार हुआ है, तो पहले भी कई दफ़ा उनको इसमें, और बल्कि कानून साजी भी किसी हद तक हो चुकी है कि मालकान को भी उसमें ज़िम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जिसको ये अपनी बस देते हैं या जिसको भी ये दे रहे हैं कोई भी चलाने वाली चीज़, उसकी मुकम्मल तसल्ली कर लें कि वो आया ट्रेंड हैं और वो इस तरह की हरकत तो नहीं करते। इस वजह से उनको भी इसमें हम लोग हुआ है कि इन्वॉल्व किया जाए। शाह साहब, ये तो एक रीज़न हो सकता है, एक फैक्टर है कि शख्सी गलती हो गई या मालकान को ज़िम्मेदार ठहराया जा सके, लेकिन ये जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया है जी, कहा यह जाता है कि हुकूमत इससे ब्लैकमेल होती है, क्यों क्यों ये अपनी मनमानी करते हैं, क्यों इनको टैकल करते हैं? उसमें आपको अर्ज करूँ कि ब्लैकमेल होने की बात नहीं है इस बात पर। ये ज़रूर है कि जब तक हम लोग अपनी ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे नहीं करते, ऑपरेट नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तब तक जाहिर है एक ओवरलुक कहीं ना कहीं ज़रूर होता है कि यहाँ तो इन सब बसेस को फौरी बंद कर दिया जाए, जिससे भी जो तकलीफ होगी वो आम फिर आवाम का ही नुकसान है इसके अंदर। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ माह से हमारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ की अखबार में आ रहा है, जो स्कीम गवर्नमेंट ने दी है ये दीगर मंसूबों के अलावा सिटी सर्विस चलाने के लिए, जिसमें हम लोग 15% गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं, सिर्फ 15% है कि वो ऑपरेटर या ट्रांसपोर्टर दें, 70% उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट के साथ सिंध मुदारबा से हम लोग उनको अरेंज करके दे रहे हैं, इंश्योरेंस भी हम लोग करवा के दे रहे हैं, रूट्स भी दे रहे हैं कि आप लोग चलाएँ, नई बसेज हों और किराए जो हैं उनके मुनासिब हों। लेकिन ऐसे बहुत सारे मंसूबे हैं जिनका ऐलान आप खुद भी करते रहे हैं, जिनके इश्तिहारात भी आते रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इस पे किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और उसके लिए हमने सबसे पहले इन्हीं लोगों को जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलाते रहे हैं, हमने इनको भी ये मौका फराहम किया कि भाई पहले आप लोग आ जाएं, लेकिन इन शरायत पे ये अच्छी बेहतर ट्रांसपोर्ट होगी, किराए होंगे और उसको सही सर्विस आप देंगे। अब वो जाहिर है वो कह रहे हैं हमें फिजिबल नहीं है, हमारी दूसरे ऑपरेटर से बात चल रही है, मेरी पूरी कोशिश है कि दिसंबर के एंड तक ये शुरू कर दी जाएं कुछ ना कुछ बसेस, और फिर क्योंकि वैसे तो हमें यहाँ पे 8,000 बसेस चाहिए जी। इस वक्त जो पहला हमारा ट्रांच है वो 617 बसेस का है। पिछले साल आपने कहा था कि 1,000 बसें चलेंगी, 1,000, लेकिन अभी ये 617 पूरी होती तो दूसरा ट्रांच 617 का और आता, 1,000 से ज्यादा चलती। इस तरह तो 2,000 इको बस की बात भी हुई है हमारी, वो भी आ रही हैं, कुछ और भी पाइपलाइन में तो बहुत से हैं, लेकिन असल इशू यही है कि ये आके मैं यहाँ पे बात कर जाता हूँ, फिर आप भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, ये झूठे वादे करके जाते सवाल हैं। तो आपके सीधी बात है, बिल्कुल मैं इस बात को, आप एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? हमें जब हमने ये अंदाजा था कि ये जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट देंगे तो सब लोग आएंगे और बसेज आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं है, हमें 3 दफ़ा वो देनी पड़ी एडवर्टाइजमेंट, अब जाके हम लोग फिर उसको बहुत कोशिश के बाद हमने कुछ हमारी उसमें पेशरफ्त हुई है, तो इंशाल्लाह दिसंबर के एंड या जनवरी में ये शुरू हो जाएगा। दीगर जो आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, खासतौर पर KCR पे आ जाते हैं, KCR पे बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले हम लोग, कल भी मीटिंग हुई, NRA वाले यहाँ पे आए थे, और उससे 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद में 7th JCC की जो मीटिंग थी, जिसमें चाइना के NDRA वाले और उनके जो
हाई डेलीगेशंस हैं, हमारे यहाँ से भी सब लोग थे, चारों प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर साहिबान भी, दीगर लोग भी वहाँ पे, मैं भी, हम भी गए थे। तो केसीआर तो अल्लाह की फजल से अमल तौर पर, लेकिन उसके लिए जो जमीन वापस करानी है वो तो अभी तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ही नहीं शुरू हुआ। नहीं, बिल्कुल, आपको अगर याद होगा तो कुछ अरसा पहले जो आपने लाइन बताया सितंबर, बिल्कुल सितंबर तक हमें खाली करवाना था, लेकिन दो तीन इश्यूज थे जो अब जाके सॉल्व हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो थे, वो ये KUTC या ये जो राइट ऑफ वे था वो अभी तक हमें हैंडओवर नहीं कर रहे थे, वो जो बिल्कुल था KCR के लिए। अब भी एक पे इशू चल रहा है जो सिटी स्टेशन से लेके, सुन लें एक मिनट, सिटी स्टेशन मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही थी कि जो आप बहुत सारे मसले बता रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, पाकिस्तान से बाहर भी, तो जाहिर है देखने वालों को सुनने वालों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करें। आपको बुलाया है कि आप करके जो आपने, ये भी बात जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है लोग सवाल ये करते हैं, हमें देखने वाले भी यही सवाल करते हैं और हम तो खुद कराची में रह रहे होते हैं तो जाहिर है हमारे अपने सवाल भी कुछ बनते हैं, वो ये है कि ये सारा काम आराम से इस्लामाबाद में कैसे हो जाता है, लाहौर में कैसे हो जाता है, कराची की बात आती है तो फिर हुकूमत बेबसी जाहिर करती है। कराची के डायनामिक्स चेंज है, लाहौर वाला पिंडी इस्लामाबाद वाला जो है वो एक तरफा वो बन रहा है, जो मेट्रो या जिसको भी कह लें वॉल्यूम उसका बहुत बड़ा कर दिया उन्होंने पैसों के लिहाज से। जहां आपका ये स्टूडियो, यहां भी एक स्कीम चल रही है आपके सामने ही है, ग्रीन लाइन, जी हां बन रही है, कराची का मास ट्रांसिट पूरे कराची को कैटर करेगा, ये दीगर शहरों की तरह सिर्फ एक लाइन या दो लाइन का नहीं है, इसमें KCR भी है, ये ग्रीन लाइन है, ईदी लाइन है, ब्लू लाइन है, रेड लाइन है, ब्राउन लाइन है, ये सब लाइनें जिसको कराची में जहां से जाना होगा वो वहां से एक पास में एक टिकट में हर जगह पे जा सकता है। ये सारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। KCR के राइट ऑफ वे पे बात हो रही थी कि जो खाली आपने कहा कि आपने नहीं कराया, आपको याद होगा दो तीन माह पहले हमने जब ड्राइव शुरू की थी तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया था, ईस्ट का भी काफ़ी हिस्सा कर दिया था, साउथ का भी। रेलवे हुकाम ने हमें लेटर लिखा जो अभी रिकॉर्ड पे मौजूद है, कमिश्नर साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, एजाज साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, हमारे दो तीन DCs ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, ख़ासतौर पर सेंटर वाले जो कैप्टन फरीद थे उस वक्त, उनकी टीम ने पूरा क्लियर करवा दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप ये रोक दें ऑपरेशन, क्योंकि अब जब जो जो खाली हो रहा है उसको हम सस्टेन करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। KUTC का जो अभी तक उन्होंने हमें हैंडओवर करना था, अब जाके जब बहुत ज़्यादा बल्कि एक किस्म की तलख कलामी हुई चीफ मिनिस्टर और वफाकी वजीर रेलवे में, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, टेलीफोन पे भी और वैसे भी, फिर जाके इस JCC में मोहतरम साद रफीक साहब ने सबके सामने एग्रीड किया कि भाई ये सिंध गवर्नमेंट का है और हम लोग इन्हीं को हैंडओवर करेंगे ये सारी चीज़। तो अब डेडलाइन क्या देंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है मिनिस्टर साहब की और मेरी कि 25 दिसंबर को इसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाए, जिस दिन कायदे आजम का बर्थडे है जो हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हमारे कायद का जो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले होगा, लेकिन ये इसका पूरी तैयारी हो चुकी है, उन्होंने दिसंबर में इस मंसूबे की शक्ल सामने आ जाएगी, ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी शुरू हो जाए या जनवरी में, मैक्सिमम अगर डिले होता है। जो आप बात कर रही हैं, जो बहुत ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया जो है, जो सर्वे हुआ था जायका का, 4600 हाउस होल्ड जो थे, उनको हम लोग कंपनसेट करेंगे, उनको बगैर कंपनसेशन के नहीं हटाया जाएगा। तो उनसे कोई बातचीत चल रही है? उनसे बिल्कुल बातचीत हो रही है हमारी, कई दफा मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अब उसमें ज्यादा मजीद पेशरफ्त आएगी क्योंकि अब इसका मुकम्मल एग्री हो गए हैं इस पे। दीगर जो लोग हैं, जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर वो जो राइट ऑफ वे है उसके ऊपर दुकानें बन गई, उसके ऊपर कारोबारी मराकज बन गए, ट्रैक खत्म हो गया, गुम हो गया, उनमें से किसी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक ट्रैक चल रहा था, ट्रैक के ऊपर किसी ने कुछ भी बना दिया उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये उन आबादियों को पैसे मिलेंगे, ये जो उसमें है, जो उसके साथ रहते थे, जिनको खाली करा के उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, ये वो लोग आ रहे हैं जुमरे में, 4600 कुछ जो भी हाउस होल्ड जायका ने जो सर्वे किया था उसके, उनको हम लोग मुकम्मल तौर पर कंपनसेशन देंगे, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकाम हैं कि उन लोगों को आप ज़रूर दें।
तो उनको हम देंगे, उनके साथ हमारी मीटिंग भी हो रही है। दीगर जो लाइन्स आपने बताई, एक तो आपके सामने ही है, ग्रीन लाइन पे काम हो रहा है, ये शुरू हो जाती अगर सिर्फ गुरु मंदिर तक रहती। इसमें वफाकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने फंडिंग की और काम कर रहे हैं, हम कोई उन पर इल्जाम इस तरह का तो काम होता नहीं, नहीं, नहीं लगा रहे कि भाई उन्होंने कोई डिले किया, ये बहुत वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक्सपेंशन हो गई है। पहले सिर्फ गुरु मंदिर तक थी, फिर आगे पार्क थी, अब ये जाके टावर तक चली गई है और फिर वहां से भी इसका और भी थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है। हमारी स्कीम जो है जब तक ये स्कीमें मुकम्मल नहीं तब तक ये बसेस जो मैं कह रहा हूँ जब तक फिर इन बसेस का क्या किया जाए, ये तो इसी तरह से इंसानी जाने लेते रहेंगे। ये कुछ वाकयात, कुछ जो इस तरह के हादसात होते हैं वो आई ओपनर भी होते हैं। जैसे आपने कहा कि टाइम पर पहुंचने से पहले ये एक दूसरे इस पे ट्रैफिक पुलिस को सख्त नोटिस लिया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, खुसूसी हिदायत उनको दी हैं। और ये जो बात है इंशाल्लाह इस पर काफ़ी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस पे काम होगा। लेकिन ये बसेस जो हैं हम शुरू कर रहे हैं, उसमें हमारे जो मेयर साहब हैं उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया है, वसीम। ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जब आप लोग सब मिलकर काम करेंगे तभी उनके साथ बिल्कुल हमारी मीटिंग्स हुई हैं और कराची का जाहिर है उनके पास मैंडेट है, हम मिलकर इसको काम कर रहे हैं। और ये बसेस इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, फिर आपके प्रोग्राम में मैं बात करके जा रहा हूँ दिसंबर की, अभी तक तो फर्स्ट प्रोजेक्ट की भी है डेडलाइन, पेशरफ्त हुई है। कुछ बसेस आपको दिसंबर के एंड तक जरूर रोड पे लाके दिखाएंगे और फिर इसी तरह उसमें इजाफा होता जाएगा। हम आपको दिसंबर में बुला रहे हैं और आप इस खुशखबरी के साथ आएंगे कि कराची के शहरियों को कम से कम कुछ बसेस मिल गई। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध हमारे हमराह थे। और आज जो अफसोसनाक वाकया हुआ उसके बाद समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसके क्या रीजंस हैं और जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं कराची के शहरियों को, उसे दूर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अब ज़रा अगली स्टोरी की तरफ, आखिरी स्टोरी की तरफ मैं आ जाऊं। आज शॉपिंग के जो शौकीन अफराद थे उनके लिए बड़ा अहम दिन रहा क्योंकि आज नवंबर का आखिरी जुमा था और आज दुनिया भर में साल की जो सबसे बड़ी सेल है, ब्लैक फ्राइडे सेल, वो लगाई गई। हमारे यहाँ भी बड़े पैमाने पर मॉल्स में ऑनलाइन सेल्स लगी थी, लेकिन यहाँ सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई, ब्लैक फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे। बहुत सो ने तो वाइट और गोल्ड फ्राइडे भी मनाया। कुछ लोगों को ये एतराज़ था कि जुमे का मुबारक दिन स्याह कैसे हो सकता है, तो कुछ लोगों ने स्याह मजहबी मकामात पर जो मजहबी मकामात है वहाँ पर स्याह रंग का हवाला भी दिया। तो बहरहाल पॉइंट ये है कि तनाज़ा था एक जिसने जन्म लिया, लेकिन करने वालों ने खूब शॉपिंग की है। कहीं ट्रैफिक जैम था, कहीं पर स्टॉक ख़त्म हो गया, स्टोर्स को क्लोज कर दिया गया। ब्लैक फ्राइडे बुनियादी तौर पर है क्या, ये सेल पाकिस्तान में किस तरह से लगना शुरू हुई, आइडिया कब मुतारिफ किया गया, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो आए, उन्होंने देखा और लूट लिया। सेल पर लूट ऐसे ही मचती है और अगर वो सेल ब्लैक फ्राइडे को लगे तो बात अना की आ जाती है। ऐसे में जान जाए पर माल ना जाए। पाकिस्तान में ब्लैक फ्राइडे का कॉन्सेप्ट 2015 में शुरू हुआ जब एक ऑनलाइन वेबसाइट ने नवंबर के आखिरी जुमे को ये सेल मुतारिफ कराई और रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक दिन में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने शॉपिंग की और 13 करोड़ 20 लाख रुपए तक डिस्काउंट एंजॉय किया। ये पाकिस्तान की तारीख में एक दिन की सबसे बड़ी फरोख्त थी, जिसके बाद ये सिलसिला सालाना बुनियादों पर जारी है। माल मुफ्त हरगिज नहीं है, लेकिन दिल बेरहम हो जाता है। सेल पर लोग किस तरह से पैसे भी देते हैं और उसके बावजूद इस कदर बेरहम भी हो जाते हैं, धक्के मुक्के लास्ते हैं, भूसे सब कुछ चल रहा होता है। और यहाँ ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान मरने मारने की भी नौबत आती है, लेकिन इससे बचना चाहिए। अगर वाकई ये देखना होगा कि आया ये सेल्स जो लगाई जाती हैं कहीं ये डिस्काउंट के नाम पर धोखा तो नहीं है, ये वो सवाल है जो आवाम के जहनों में आज भी सारा दिन उतर रहा है। इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।